बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे, उम्मीद करते हैं। आज मैं बघारा खाना, दाल चा और हरी मिर्ची और काली मिर्ची का गोश्त बना रहे हैं। आप देखिए, ये दाल चे की आधा किलो दाल है। दाल गलने के लिए चढ़ा देंगे। अब इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे, दाल जल्दी गल जाती। हम लोग भिगाए नहीं थे इसको, 5 सीटी होने तक के पका लेंगे। अब मैं दालचीनी की तैयारी कर रहा हूँ, आप देखिए। आधा कप तेल डाल देंगे इसमें। एक मुट्ठी प्याज है, चार चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, तीन चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। आप टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्ची डालिए, नमक 2 चम्मच। ये अच्छी तरीके से हिला लेंगे। हम लोग टमाटर डाल दिए, 5 से 6 टमाटर हैं इसमें। आधा कप पानी डाल दो इसमें, अच्छा गल जाएगा ये। 5 सीटी होने देना इसको, अच्छा 5 सीटी होने तक के इसको हम ढक्कन लगा के रख देंगे। 5 सीटी के बाद में देख लेंगे। ये गोश्त और हड्डियां गल गए हमारे। अब इसमें हम कद्दू ऐड कर देंगे, एक कद्दू है छोटा सा ही। कुकर का खाली ढक्कन लगाएंगे, इसको बंद नहीं करेंगे। ये कौला कद्दू है, भाप में गल जाता। ये कद्दू गल गए देखिए आप अच्छी तरीके से। अब इसमें हम दाल डालेंगे, दाल घोट के रख लिए थे। ये 2 मुट्ठी इमली भिगा के रख लिए थे हम लोग, इसका निकाला रस डाल देंगे इमली का। ये इसमें अब पानी डाल देंगे, आपको जितना गाढ़ा होना उतना पानी डालिए, पतला गाढ़ा जितना भी हो तो आपको जरूरत पड़ी उतना पानी डालिए। अब इसमें हरा मसाला डालेंगे, करिया पत्ता, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक अपने हिसाब से डालिए। इमली का खट्टा अच्छा पकना, अच्छा पकने तो इसका टेस्ट अच्छा आता। इसको पकने के लिए रख देंगे 10 मिनट के। हरी मिर्ची डालेंगे, ऐसा चीर के डाल देना, 6 से 7 डालिए। ये दालचा देखो अच्छा पक रहा है, अब इसको आप नमक टेस्ट कर लो। अब इसको अब हम चूल्हा बंद कर देंगे, अच्छा तरीके से पक गया। बघारा खाना बनाने के लिए हमने भगोना चढ़ा दिया, भगोना गर्म हो गया, देखिए तेल डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 मुट्ठी प्याज, 2 मुट्ठी प्याज, ये प्याज को अब लाल कर लेंगे हम। बिरयानी की प्याज कैसी तले जाती वैसी तले जाना ये प्याज। इसमें साबित गरम मसाला डालेंगे, दालचीनी, लौंग, इलायची, शाजीरा, काली मिर्ची। 3 से 4 टीस्पून अदरक लहसुन डालेंगे। ये प्याज जल गई बोल के आप लोग मत समझिए, ये जैसा अम्मी बघारा खाना बना रहे ना उसके लिए प्याज इतना पकाना ज़रूरी है। इसमें 5 लीटर पानी ऐड कर देंगे, 1 किलो खाना है। अब
इसमें डेढ़ मुट्ठी नमक डालेंगे। इसमें हरा मसाला, हरी मिर्ची कुछ भी नहीं आता। बघारा खाना थोड़ा अलग है, आप एक बार ट्राई करके देखिए पकने तक के। अब इसको अच्छा पकने देंगे पानी, इसके बाद चावल ऐड करेंगे। येलो वाली ढक्कन दी। ये पानी देखे अच्छी तरीके से पक गया, इसका कलर कितना अच्छा आ गया, पूरा प्याज का कलर पानी में आ गया, ये पूरा चावल में आ जाता अब, और चावल बहुत ज्यादा टेस्टी होते। अब हम इसमें चावल डालेंगे। ये टाइम पे आप एक बार नमक चेक कर ले सकते हैं। ये चावल अच्छी तरीके से पक गए, चावल अच्छी तरीके से पक गए। अब इसको खाली दम देने का है। अब दम देने के बाद में देखिए, ये चावल अलग किस्म के, इसमें कलर अच्छा आ गया। देखिए एक बार आप जरूर कोशिश करिए। गोश्त को मैरिनेट करने के लिए हरा मसाला है, कोतनी पुदीना, 8 से 10 हरी मिर्ची, 10 से 15 हरी मिर्ची है, थोड़े लहसुन है। इसको मैरिनेट करने करते वक्त मैं गोश्त को मैरिनेट कर रहा हूँ। जो पिसा हुआ पेस्ट था, लहसुन, कोतमीर, पुदीना और हरी मिर्ची का पेस्ट, इसको डाल देंगे इसमें 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच 1.5 चम्मच काली मिर्च, 3 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर चम्मच से मिला देंगे। इसमें हरी मिर्ची है ना, हाँ का बहुत जल्दी अच्छा मिला ले। आधे इसको चम्मच से मिलाइए, आधे घंटे के लिए अच्छा मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए। ये गोश्त बहुत मज़ेदार होता, इसको मैं बनाते वक्त आपको फिर से दिखा। मिर्ची का गोश्त डालने के लिए हम अब तेल डाल देंगे, कुकर गर्म हो गया, आधा कम के लिए प्याज है, इसको अच्छे से तल लेंगे कलर चेंज होने तक। प्याज का कलर चेंज हो गया, अब इसमें मैं गोश्त डाल दे रहा हूँ। गोश्त अच्छी तरीके से गल गया है, इसमें नमक आप टेस्ट कर ले सकते, खाली हरी मिर्ची काली मिर्ची का गोश्त है। अब इसमें हम हरा मसाला डालेंगे, कोतमीर पुदीना में, एक नींबू का जूस है निकाल, इसको अच्छा भून लेंगे। अब नमक टेस्ट कर लीजिए, आप बहुत टेस्टी बना, एक बार ट्राई करके देखिए। मेरे बताए हुए इंग्रेडिएंट्स अब हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये जो हमने बनाया था आज बघारा खाना, दाल चा और ये हरी मिर्ची का और काली मिर्ची का तला हुआ गोश्त है। आप देखिए, अब मेरे हिसाब से बनाइए, मैं बताने की चीज़ों से बनाने से आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट आता। मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी कमी पेशी है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।